नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम जानेंगे आयुर्वेद की एक और बहुत गजब की औषधि के बारे में जिसका नाम है वृद्धिवादिका। जैसा कि इसके नाम से पता पड़ता है कि किसी भी अनियमित या अनावश्यक वृद्धि जो कोशिकाओं या उत्तकों के स्तर पर होती है उसको रोकना। अनावश्यक मतलब अनइम्पॉर्टेंट और इनकंट्रोलेबल जो एनलार्जमेंट होता है किसी भी टिश्यू में, किसी भी बॉडी पार्ट में, उस चीज़ को रोकना इसका मेन काम होता है। ये मुख्य रूप से हर्निया या फिर अंडकोशों से संबंधित रोगों में, जैसे अंडकोशों में पानी भर जाना, रक्त भर जाना, वायु भर जाना, या फिर उनमें सूजन, थायराइड, हाथी पांव, ऐसी जो समस्याएं होती है इनके लिए बहुत गजब की औषधि मानी जाती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वृद्धिवादिका के कंटेंट्स के बारे में, बेनिफिट्स, जो मेजर बेनिफिट्स है उनके बारे में, उसके अलावा इसके डोजेस, प्रिकॉशंस और फायदों के बारे में। जो इसके मेजर कंटेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले आते हैं शुद्ध पारद, गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म, कांस्य भस्म, वंग भस्म, हरताल भस्म, तूतिया, शंख भस्म, कोड़ी भस्म, सौंठ, मिर्च, पिपली, हरड़, बहेड़, आंवला, चव्य, वायुडंग, विधारी मूल, कचूर, पिपली मूल, पाठा, हबूषा, इलायची और पाँचों तरह के नमक, हरड़ का क्वाथ। ये सारी चीज़ें इसके कंटेंट्स में, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके कंटेंट्स में आती हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत और भी चीज़ें होती हैं। इसको जो बनाने की विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल में सारी रोगों के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अब आते हैं वृद्धिवादिका के फ़ायदों की तरफ। सबसे पहला है, सबसे मेजर इसका फ़ायदा जो होता है वो होता है अंडकोशों से रिलेटेड हाइड्रोसेल नाम की जो बीमारी होती है जिसमें अंडकोशों में पानी भर जाता है। अंडकोशों में एक्चुअली शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो मेल ग्रंथि होती है जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, और अगर इस ग्रंथि के अंदर वायु या फिर जल या फिर रक्त का भराव हो जाता है और वो उसमें किसी तरह की सूजन आ जाती है, भयंकर दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में भी पेन रहने लगता है, इन समस्याओं में वृद्धिवादिका का उपयोग बहुत प्रभावशाली रिजल्ट्स आपको देता है। जब आपको हाइड्रोसेल की समस्या शुरुआती स्टेज में होती है तभी अगर आप वृद्धिवादिका का उपयोग करते हैं तो बहुत गजब के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बहुत समय तक अनदेखी करते हैं और समय के बाद अगर आप इसे लेना शुरू करते हैं तो इसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि अगर ये वाली समस्या आपके साथ है तो इसका सेवन प्राथमिक उपचारों में सबसे बढ़िया बताया गया है। अगला है हर्निया यानी कि आंतों में जो सूजन आ जाती है। आंतों में सूजन आने के कारण आंतें जो है पेट की झिल्ली को काटकर और एक उभार का रूप ले लेती है जो पेट में किसी भी जगह अलग अलग जगहों पर हो सकती हैं। अब उस जगह से आंत का बाहर आना मतलब एक थोड़े फुंसी जैसा, एक बड़ी गांठ की तरह वो पेट से उभर आती है। इस रोग से ग्रसित रोगियों के लिए वृद्धिवादिका का प्रयोग बहुत उत्तम होता है। तीसरा है ट्यूमर। अगर अनियमित वृद्धि की बात हुई है और ट्यूमर का जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, ट्यूमर जो होती है गांठ का रूप होती है। एक शरीर के अलग अलग हिस्सों में कोई गांठ का उभार हो जाता है। ये कैंसर की गांठ भी हो सकती है और नॉन कैंसर के भी। इसके अंदर किसी भी तरह की अनियमित वृद्धि जो गांठ का रूप ले लेती है उसके अंदर वृद्धिवादिका का प्रयोग कांचनार, गूगल और आरोग्यवर्धनी के साथ भी बहुत देखा गया है। और इवन कुछ कैंसर पेशेंट्स में भी वृद्धिवादिका के साथ कांचनार और अन्य जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है। कोई भी फार्मेसी हो, जैसे कि दिव्या फार्मेसी, जैसे पतंजलि या बाबा रामदेव जी की जो फार्मेसी है उसके नाम से भी जानते हैं, डाबर हो, बैद्यनाथ हो, ऊंझा हो, ऐसी बहुत सारी फार्मेसीज के अंदर इसका उपयोग बहुत बढ़िया बताया गया है। गांठों के मतलब जो ट्यूमर होता है किसी भी तरीके का उसके अंदर। अगला है थायराइड की वृद्धि में। जब गले के अंदर स्वर जो वोकल कोड होता है उसके जस्ट नीचे एक ग्रंथि होती है, उसमें जब एनलार्जमेंट होता है, जब किसी भी तरीके का एनलार्जमेंट होता है तो वो प्रभावित होती, उससे बहुत सारी और भी गतिविधियां प्रभावित होती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो
शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, और उसके साथ साथ इसका प्रभाव हार्ट पे, मांसपेशियों पे, हड्डियों पे और कोलेस्ट्रॉल पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर इस इसमें अगर एनलार्जमेंट हो और ये सही ढंग से नियंत्रित ना रह पाए और कार्य ढंग से ना कर पाए तो शरीर की बहुत सारी गतिविधियों पे बहुत असर पड़ता है। ऐसे रोग में जब अगर थायर गलगंड नामक रोग या गंडमाला रोग अगर आपको है तो ऐसी परिस्थितियों में वृद्धिवादी का इस समस्या और इस समस्या के दुष्प्रभावों को बिल्कुल समाप्त कर देती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट बिना किसी दुष्प्रभावों के। अगला हम बात करेंगे फाइलेरिया। ये एक बहुत दुर्लभ रोग है लेकिन जिसको होता है उसके लिए ये जीवन में एक अभिशाप से कम नहीं होता। इसमें पांव, रोगी का पांव सूज के हाथी के पांव की तरह हो जाता है, और ज़रूरी नहीं कि ये समस्या सिर्फ पांव में हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में हाथों में, स्तनों में और अंडकोशों में भी ये बहुत वृद्धि का कारण बन जाती है। और ऐसी समस्या से आदमी के जो दैनिक दिनचर्या वाले कार्य होते हैं या फिर जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करने में भी असमर्थता आ जाती है। काफ़ी पीड़ादायक ये जो कष्ट साध्य रोग होता है, इसके अंदर भी वृद्धिवाधिका के बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ कुछ और भी औषधियाँ दी जाती हैं, तो आप एक अच्छे चिकित्सक की सलाह से इसके साथ और भी दूसरे जो आपकी प्रकृति के अनुरूप जो औषधियाँ हैं उनका सेवन करके फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगला है ब्रेन ट्यूमर। में ब्रेन में अगर किसी तरीके की गांठ हो जाती है तो ऐसे कष्ट साध्य रोग में अनियमित वृद्धि के कारण कुछ कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं और ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर रोगी को अनिद्रा, तेज सरदर्द ऐसी शिकायतें रहती हैं। इसमें भी इस रोग में वृद्धिवाधिका का प्रयोग इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। अगला है शरीर में मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए। ये इसमें वृद्धिवाधिका के अंदर जो घटक द्रव्य यूज होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, बहुत रिच मिनरल्स वाले जो तत्व होते हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के अंदर आ रही मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। मिनरल्स की जो पूर्ति होती है तो वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। एक और फ़ायदा है जो इसका मेन फ़ायदों में लेना मेरे को ठीक लगा, वो है लिवर की वृद्धि में। लिवर जो एनलार्जमेंट है या लिवर फैटी लिवर की जो शिकायत होती है उसके अंदर भी इसके बहुत अच्छे रोल्स देखे गए हैं, बहुत अच्छा इसका उपयोग देखा गया है। तो आप जो फैटी लिवर वाली सिचुएशन है या लिवर की वृद्धि में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी सहायक फायदे रहते हैं जिसमें दूसरी औषधियों के साथ इसको सहायक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गठिया रोग के अंदर, हृदय रोग के अंदर, मधुमेह रोगियों के लिए जिनको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब, भूख की कमी, थकान, तनाव, धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसी सिचुएशन में मधुमेह के रोगियों के लिए, दमा रोग के अंदर, कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिजीजेस, अलग अलग स्किन डिजीजेस के अंदर, मूत्रपथक मतलब यूटीआई कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, अत्यधिक लार बनना मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लार टपकने वाली सिचुएशन हो जाती है, मुँह के अंदर से लार बनती रहती है और अनियमित रूप से वो बहने लग जाती है, उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग बताया गया है। कुल मिला के ये औषधि जो होती है कफ और वात को प्रकोपित होने से रोकने का काम करती है। कफ और वात जन्य जो रोग होते हैं उनके अंदर अच्छी औषधि और वृद्धि, शरीर में किसी भी अनियमित वृद्धि को रोकने वाली औषधि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, तो इसकी डोजेस होती हैं 1 से लेकर 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। अलग अलग औषधियों के साथ इसका अनुपान बताया गया है अलग अलग रोगों के अनुरूप। इसका अगर आप सेवन अनुपान हरड़ के क्वाथ के साथ भी कर सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर प्रिकॉशंस की बात करूँ, इसके सेवन में कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं, जैसे कि इसके सेवन के जस्ट बाद गर्म दूध, गर्म चाय, कॉफ़ी या फिर दूध का सेवन थोड़ा वर्जित करना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे का आप थोड़ा गैप रखें। उसके अलावा जिन लोगों को पेट में जलन रहती है या पेप्टिक अल्सर्स हैं या फिर छाले हैं उन लोगों को और बवासीर के रोगियों को इसके सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती महिलाओं को भी इसके सेवन से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप और जिनको पेट दर्द रहता है उन रोगियों को भी इसके सेवन से पहले एक बार अच्छे वैद्य की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एलर्जी हो या फिर पित्त या फिर बहुत शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ रहा हो, गर्मी ज़्यादा लगती हो, जलन रहती हो, ऐसे रोगियों को भी इसके सेवन से बचना चाहिए। अगर इसकी उपलब्धता की बात करूँ तो ये डाबर, बैद्यनाथ, अपेक्षा, ऊंझा, धुतपापेश्वर, बहुत सारी फार्मेसीज इसका निर्माण करती हैं। तीन जो वृद्धिवाधिका है आपके सामने स्क्रीन पर है, इनके प्राइस की अगर बात करें तो 137 से लेके 120 रुपये तक, 150 रुपये तक आप मान सकते हैं 40 टैबलेट्स जो हैं आती हैं।
फार्मेसी टू फार्मेसी वेरी करता है। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का, किसी भी अच्छी फार्मेसी का परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वृद्धिवादिका और ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।